पिछले काफी समय से वेतन संशोधन सहित कई मांगों को लेकर हड़ताल पर गए पटवारी व कानूनगो की हड़ताल के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर दूसरे विभागों के कर्मचारी भी मैदान में उतर गए हैं। हड़ताली पटवारियों के समर्थन में एसकेएस के बैनर तले सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने रोष मीटिंग की और सड़कों पर उतरते हुए रोष प्रदर्शन कर सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। एसकेएस पदाधिकारियों ने सरकार को सीधे रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि पटवारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो दूसरे विभागों के कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठ जाएंगे। एसकेएस कार्यालय में जिला प्रधान कृष्ण उन व राजकुमार घिकाड़ा की अध्यक्षता में कई विभागों के कर्मचारी एकजुट हुए। कर्मियों ने सरकार के रवैये को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया व भड़ास निकाली। इसके उपरांत तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कर्मचारी नेताओं ने बताया कि ठंड में पूरे प्रदेश के पटवारी व कानून को अपने हकों की मांग को लेकर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। वो अपना हक मांग रहे हैं जिस पर सरकार पहले ही वार्ता के दौरान सहमति दे चुकी है। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो पूरे हरियाणा में दूसरे विभागों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल होने पर विवश होंगे। इस दौरान कई कर्मचारी व अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। आज जो ज्ञापन सौंपा गया है, ज्ञापन में जो हमारे पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन जो 17 दिन से लगातार हड़ताल पर हैं, उनके समर्थन में आज सर्व कर्मचारी संघ, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, सीटू और दूसरे संगठनों ने आज इसके समर्थन में मांग पत्र दिया है और सरकार को ये बताया है कि अगर आने वाले भविष्य में आप इनकी मांगों का जल्द से जल्द समाधान नहीं करेंगे तो सभी संगठन एकजुट होकर आने वाले भविष्य में एक अनिश्चितकालीन पूरे प्रदेश का चक्का जाम करने की ज्ञापन मेरे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा सौंपा गया है कि जो पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं इनकी सरकार इनकी मांगों को शीघ्र पूर्ण करे, इस बार एक ज्ञापन मिला है। इस ज्ञापन को आज उचित माध्यम से अपने सिफारिश सहित सरकार को भेज दिया जाएगा। एक इनकी मांगे हैं, वो वेतन को लेकर के कुछ मांग है इनकी, जो ऊपर भेज दी जाएंगी।